नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं या लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसा भी एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसा फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहाँ पर करना है। बेसिकली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर्स है, तो आपके लिए एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है एग्जिट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट में लंबा रैली देखी गया। और कभी कभार ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने के चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है, तो दोनों तरफ ही फंसते हैं। रीजन है कि है जो हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो आज का वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफी सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो एज ए एग्जाम्पल आज को मैं 47,500 का एक कॉल का चार्ट लगाया हूँ, तो ये बैंक निफ्टी का आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है। देखिए चार्ट के ऊपर अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे, ये जो ग्रीन कलर का एरो दिख रहा है ये बाइंग का कॉल है। जब भी कोई कॉल बनेगा एक्चुअली ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब जैसे हम लोग को पता है मार्केट में हर रोज काफी सारा कॉल बनता है, हर एक कॉल अचीव नहीं होता है। कॉल आइडेंटिफाई करने का कुछ तरीका है। एंट्री लेने का टाइम एक बायर्स को तीन चीज को देखना है। बाइंग का टाइम नीचे का जो रिबन है उसका कलर को ग्रीन होना चाहिए, तो ये आपका पहला कंडीशन। ग्रीन है मतलब मार्केट में ऑलरेडी बायर स्ट्रांग है। सेकंड कंडीशन, बाय का कॉल के साथ एक स्टार बनेगा जो मुझे सेकंड कैंडल पे दिखाई दे रहा है। और थर्ड कंडीशन होता है ब्रिक्स, जो सेंटिमेंट को कैच करता है, जो इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये व्हाइट का ऊपर होना चाहिए। ये तीन पैरामीटर मैच होने चाहिए तभी जाके हम लोग ट्रेड करेंगे। तो जैसे ये जो कॉल बना था ये चाहे 27 तारीख को आ गया था 3:20 पे, तो यहां पर हम लोग कोई कॉल में फोकस नहीं करेंगे, हम लोग नेट डे के लिए वेट करेंगे। जैसा आज को मार्केट ओपन यहां पर हो रहा है, तो दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ टुडे। तो जब भी कोई कॉल कैरी फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब है ये सोचिए अगले दिन का कॉल है और आज को अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको मिनिमम फर्स्ट कैंडल बनने के लिए वेट करना है, और जैसे फर्स्ट कैंडल बनेगा, जैसे ये फर्स्ट कैंडल बना और इस कैंडल का हाई का ऊपर आपको ऑर्डर सेट करना है। अगर सारा कंडीशन बाइंग का फेवर में है तो आप फर्स्ट कैंडल का हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं। फर्स्ट कैंडल का हाई था 202 रुपया, तो उसका ऊपर आप बाय कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 202 रुपया का ऊपर ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो आपको एग्जिट कहां पर करना है। बोर्ड टाइम क्या होता है, देखिए 240 जैसे गया, 30-40 पॉइंट मूवमेंट होने से हम लोग डर के निकल जाते हैं, बट उसका बाद देखते हैं लंबा रैली देखे गया। तो कब तक आप वेट कर सकते हैं, नीचे का ब्रिक्स का तरफ थोड़ा सा फोकस कीजिए। ब्रिक्स का कलर ब्लू एंड रेड होने का मतलब है ये ऑब्वियसली नेगेटिविटी है, पर जब तक ये व्हाइट का ऊपर है तब तक आपका पोजीशन सिक्योर है, मतलब तब तक आप चांस ले सकते हैं। आप तब तक चांस लीजिएगा जब तक ब्रिक्स वाला इंडिकेटर व्हाइट को तोड़ के नीचे ना आ जाए। तो देखिए यहां पर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कब ब्रिक्स इंडिकेटर व्हाइट का नीचे मूवमेंट करना शुरू करता है। तो अगर मैं यहां पर आके रोकता हूं, देखिए मैं अगर फर्स्ट कैंडल का हाई के ऊपर यहां पर बाय किया हूं, तो लगभग ये जो कैंडल है यहां पर आके मतलब 11:20 पे आके ये आपको बता रहा है पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेना है, क्योंकि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। तो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर हम लोग का सबसे पावरफुल इंडिकेटर है जो सेंटीमेंट के साथ काम करता है। तो देखिए 202 रुपया का ऊपर आप बाय करके 317 रुपया तक आप वेट कर सकते हैं, तो ये इसका पॉजिटिव साइन है। हमेशा 30-40 पॉइंट का माइंडसेट लेके नहीं खेलना है, क्योंकि प्रॉफिट का टाइम तो माइंडसेट सेट सही रहता है, पर जब आप लॉस खाते हैं तो उसको आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए प्रॉफिट को हमेशा इंक्रीज करके रखिए, तब जाके लॉस को आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो देखिए 110-115 पॉइंट का सुबह को हम लोग का यहाँ पर बाइंग साइड में प्रॉफिट मिल गया था। अब जैसे देखिए ब्रिक्स नीचे आया, सेलिंग का कॉल बना रेड स्टार का साथ, नीचे का रिबोन रेड है, आप जो सेल करते हैं तो इसको देखते हुए सेल भी कर सकता है। तो सेलिंग साइड में भी देखिए ये कॉल जो है ये परफेक्ट कॉल है। अगर मैं यहाँ पर सेल करता हूँ या फिर यहाँ पर मार्केट गिर रहा है तो मैं यहाँ पर पुट बाय करके पैसा बना सकता हूँ, अगर मैं ऑप्शन बायर्स हूँ तो। अल्टीमेट देखिए धीरे धीरे मार्केट रिवर्स हुआ। ब्रिक्स वाला इंडिकेटर क्या काम करता है, देखिए जब तक ब्रिक्स का कलर रेड होता है आपका पोजीशन फुल्ली सिक्योर है। ग्रीन होने का मतलब है धीरे धीरे यहाँ पर बायर्स बढ़ रहा है। इसका साथ साथ ये जो दोनों लाइन का क्रॉस ओवर आप देख रहे हैं ये भी आपको अगर इंडिकेशन दे दिया तो यहाँ पर भी आप अपना पोजिशन को छोड़ सकते हैं। अल्टीमेट देखिए ये जो बाय का कॉल बना है यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से सही है, बट जैसे हम लोग देखेंगे ये बाय का कॉल में हम लोग को कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पर हम लोग को एक कॉस्ट टू कॉस्ट वैल्यू में या मिनिमम लॉस में निकाल दिया। जब भी आप ट्रेड पोजीशन लीजिएगा सोचिए यहां पर आपका एंट्री बन रहा है और इस कैंडल पे देखिए ये आपका व्हाइट लाइन के नीचे आ गया, तो इस चीज को भी दिखाना था। हमेशा प्रॉफिट ही होता है ऐसा नहीं,
लॉस भी इस मार्केट का पार्ट है, बट मेन चीज होता है जो लॉस आप कितना कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं जो आप ट्रेड लिए और एक ही कॉल में आप 100-150 पॉइंट का बैंक निफ्टी में लॉस खा गए, तो ये कभी भी आपके लिए बेनिफिट नहीं हो सकता। अगर आप मिनिमम टू मिनिमम 20-30-40 पॉइंट में भी बैंक निफ्टी लॉस खा के निकल रहे हैं तो भी ये आपके लिए एक पॉजिटिव संकेत है। अल्टीमेट देखिए, ब्रिक्स नीचे आ गया, रेड स्टार बना, नीचे का रिबन रेड हो गया, बट अभी तक कोई सिग्नल नहीं बना। नीचे का रिबन दोबारा ग्रीन हुआ, ब्रिक्स ऊपर चला गया है, तो ना ही आपको यहाँ पर बाय करना है, ना ही आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। फाइनली ये जो सेल का कॉल बना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस सेल का कॉल में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि नीचे का रिबन रेड है, ब्रिक्स अभी व्हाइट का नीचे आ गया और स्टार तो पहले से चल रहा है। एक्चुअली ये तीन चीज़ को आपको जस्ट याद रखना है, मार्केट लाइव में चलते रहेगा और आपको ये तीन चीज को फॉलो करना पड़ेगा। एरो का मतलब भी है सिग्नल बनाए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपको तुरंत देख लेना है उस टाइम नीचे का रिबन का कलर क्या है, ब्रिक्स का कलर क्या है, व्हाइट का नीचे है या नहीं, और इसका पहले कौन सा स्टार चल रहा है। तो इसका पहले मुझे दिखाई दे रहा है रेड स्टार चल रहा है, मतलब स्टार कंडीशन मैच है, नीचे का रिबन रेड है, ब्रिक्स आपका फेवर में है, तो यहाँ पर सेल का कॉल बना। आप जो ऑप्शन बाइंग करता है यहाँ पर आराम से पुट बाय करके भी पैसा बना सकता है। तो लॉजिक सबके लिए सेम है, यही तीन पैरामीटर का ऊपर बेस करके काम करना है। तो देखिए यहां पर भी आपको सेलिंग साइड में अच्छा खासा बेनिफिट बना दिया, और अगर आप ऑप्शन बायर्स है तो इसी सेम जगह पे आप पुट बाय करके भी पैसा बना सकते हो। तो सिंपल लॉजिक है, लॉजिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, अकाउंट मेट करना चाहते हैं या हम लोगों के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलआईएस ब्रू के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय। एंड फाइनली एक ही चीज बोलूंगा, जो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो एंट्री एंड एग्जिट पे फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पर जो टारगेट आपको दिखाई दे रहा है इसका ऊपर ध्यान नहीं देना है, टारगेट बेसिकली हम लोग ऑप्शन में सेट नहीं करते, फ्यूचर इक्विटी के लिए टारगेट ठीक है, ऑप्शन के लिए मेनली एंट्री एंड एग्जिट ही इंपॉर्टेंट है। एंट्री कहाँ पर ले रहे हैं और एग्जिट कहाँ पर ले कर रहे हैं, ये दो चीज़ अगर आपका परफेक्ट हो गया तो आप ऑप्शन में कहीं पर भी पैसा बना सकते हैं। थैंक यू।